तो सो फाइनली गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो किस तरह से आप लोग इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना कर पाएंगे, तो मेरा वीडियो पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो मेरे साथ फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एंड मेरा बिफोर एंड आफ्टर वाला मेरा फोटो देख रहा है अभी कितना बेकार है। एंड इसी फोटो वाले चल रहे हैं डायरेक्ट कहाँ पे, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आ चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ से सारा टूल खुल जाएगा। तो यहाँ से करना क्या होगा, सबसे पहले हमको डिटेल्स वाला आइकन सेलेक्ट करना है। डिटेल्स वाला सेलेक्ट करके शार्पनेस को बढ़ाना है, सैचुरेशन को बढ़ा लेना है। एंड इसको थोड़ा कम बढ़ाकर यहाँ से करना क्या होगा, तो हमको यहाँ से डन कर देना होगा। तो जैसे डन कर चुके हैं, यहाँ डन करने के बाद फिर से हमको टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से ट्यूनी इमेज वाले आइकन क्लिक सेलेक्ट कर लेना होगा। एंड इसको सेलेक्ट करके सैचुरेशन कम करना है, मेन्यूस को कम कर लेना है। एंड इतना सब हो जाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ कॉर्नर में डन वाला ऑप्शन दिखाया, डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इतना सब हो जाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, टूल्स वाले आइकन दिखाया, टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ सेलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से करना क्या होगा, तो हमको यहाँ से अपने यहाँ ब्लैक वहाँ पर इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ से करना क्या होगा, फिर से टूल्स वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा एडन वाले। एंड फिर से टूल्स वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करके सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से टोटल कंट्रास्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, टोटल कंट्रास्ट के ऊपर चले जाना है। टोटल कंट्रास्ट के ऊपर जाने के बाद फिर से हमको इस आइकन को करना क्या होगा, तो इसको पूरा 39+ बढ़ाकर यहाँ से करना क्या होगा, तो हमको यहाँ से डन कर देना होगा। एंड डन कर लेते हैं। देख सकते हैं हम लोग फोटो इसमें तो एडिटिंग हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर हम लोग का फोटो देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो कर लेते हैं, यहाँ से फोटो को कर लेते हैं शेयर। हाँ तो गाइस देख सकते हो चुका है हम लोग का फोटो शेयर। तो इस फोटो को ले चले डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो गाइस देख सकते हैं लाइटरूम स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, अपना ओरिजिनल फोटो देख लेना है अभी कितना बेकार दिख रहा है। एंड हमको इस फोटो को ले चलना है कहाँ पे, प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर से भी। तो इसको करना क्या होगा, तो कॉपी सेटिंग इसका कर लेने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल फोटो के ऊपर जाना है। एंड ओरिजिनल फोटो के ऊपर जाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना होगा। एंड पेस्ट सेटिंग कर लेने के बाद फिर से हमको करना क्या है, तो यहाँ से जाना है हमको कलर्स वाले आइकन पर। आने के बाद कलर्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। कलर्स वाले आइकन पर क्लिक करके मैक्स पे क्लिक करके फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन कम कर देना है एंड लुमिनेंस को बढ़ा देना है। एंड देख सकते हैं अभी हम लोग का फोटो कुछ उस टाइप से हो चुका है, जिस टाइप से थंबनेल था हम लोग का। तो यहाँ से करना क्या होगा, फिर से हमको शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। एंड शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ शेयर कर देना है। तो एंड देख सकते हो चुका हम लोग का फोटो शेयर। इस फोटो को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं कहाँ पे, रोटोटेक स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। तो हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से लाइब्रेरिंग वाले ऑप्शन में जाना है। एंड लाइब्रेरिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, एंड ये वाला पेंसिल सेलेक्ट कर लेना होगा हम लोगों को, जिसका आप सेटिंग देख सकते हैं। फॉलो को 6% रख रहे हैं, स्टूडेंट को 5% रखकर यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से लेयर वाला आइकन बन चुका है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लेंगे एंड फेस को अपने जूम कर लेंगे। एंड जूम करने के बाद फिर से हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से साइज आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्मूथ। देख सकते कितना हाई क्वालिटी HDR में हम लोग का फेस स्मूथिंग हो रहा है। एंड वीडियो ढेर लंबा है, इसलिए इस वीडियो को हम कर लेते हैं फास्ट। तो फाइनली देख सकते हैं किस टाइप से हम लोग का फेस स्मूथिंग हो चुका है एकदम पूरा फुल HDR में। तो आशा है कि आप लोग वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए मिलते हैं सारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।